महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई का असर खाद्य पदार्थ के साथ सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से मंडियों में सब्जियों की आवक भी कम हो गई है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब महंगाई का असर अब त्योहारी सीजन पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की मार इस बार त्योहारी सीजन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती जा रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रोजमर्रा के काम आने वाली सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर के भाव भी लगातार आसमान छूते हुए चले हैं। जिस तरह सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है। आवक कम होने से सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार सर पर है और जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर सब्जियों पर, खाद्य पदार्थों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मंडी के जो व्यापारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, अभी त्योहारी सीजन में दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन नवंबर में जिस तरह आवक शुरू हो जाएगी, उससे कहीं ना कहीं सब्जियों के दामों में भी कमी आएगी। लेकिन एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर राहत मिलती है, उसमें टैक्स कम होता है और पेट्रोल डीजल के दामों की जो दर है वो कम होती है, तो निश्चित तौर पर जो सब्जियों के दाम है उनमें भी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह पेट्रोल और डीजल लगातार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे उसी के चलते जो दाम है उनमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर दाम बढ़ने से महंगाई लगातार बढ़ी है और आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।